नमस्कार, बोलिए जय श्री कृष्ण। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे उपाय किए लेकिन शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बनते बनते बात बिगड़ जाती है, फ़ायदा नहीं हो रहा उपाय से, तो वो क्या करें जिससे कि उनकी शादी में आ रही बाधाएं दूर हों और जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो जाए। ये उपाय लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। क्या करना है आपको उपाय, कि जब भी स्नान करें तो जो स्नान करने वाला जल है उसमें एक चुटकी मतलब आधे चम्मच से भी कम हल्दी मिलाएं और साथ ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और प्रतिदिन स्नान करें। ये उपाय आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती। याद रखिएगा, थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल ये मिलाना है और फिर स्नान करना है। नियमित रूप से प्रतिदिन स्नान करिए और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में जाके प्रणाम करिए। आपके घर मंदिर में जो भगवान हैं सबको प्रणाम करिएगा और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रणाम करिएगा और उनसे आशीर्वाद मांगिएगा कि उनके आपके विवाह में जो बाधाएँ आ रही हैं वो सब दूर। बहुत ही सरल है, बिना ज़्यादा धन खर्च किए आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। बस नियमित रूप से इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना है, ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया इसलिए करना है, विश्वास होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी चीज़ पर भरोसा करेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छे रिजल्ट देगी, ये हमने देखा है। तो पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास से करिए कि ये उपाय मुझे ज़रूर अच्छा फल देगा। इस तरह के भाव के साथ करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और उपाय आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। तो ये उपाय करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। आप इस उपाय को अपने घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से भी शेयर करिए। और भी जो लोग हैं जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं उन तक आप ये उपाय पहुंचाने का प्रयास करिए। आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा और आपको पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि अगर हम किसी को सही इन्फॉर्मेशन दे दें, उससे उसको फ़ायदा हो जाए तो उसका पुण्य भी हमें मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और लोगों को फ़ायदा होगा तो वो भी जो है आपको दिल से धन्यवाद देंगे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा। मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण।